छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़ा हुआ संपूर्ण चरित्र जो पढ़ा गया है वो बहुत थोड़ा पढ़ा गया है, और जो संपूर्ण उनका जीवन है वह बहुत विस्तृत है। और जिस प्रकार से लखनऊ को यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया है, और इस कार्यक्रम को लेकर के जो लखनऊ सहित पूरे प्रदेश के अंदर उत्साह है और जो उसकी तैयारी है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। व्यक्तिगत तौर से भी मैं पूरी ताकत से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तो लगा ही हूँ, लेकिन सभी को अपील भी करता हूँ, आह्वान भी करता हूँ कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। 26 अक्टूबर से यह कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है, और इस कार्यक्रम में सब लोग अपनी सहभागिता कैसे दर्ज करावें, ये कार्यालय है जहाँ से आज हम लोग इस यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं जनजागरण की दृष्टि से। और कई कार्यक्रम अभी तक हो चुके हैं, जो मुझे जानकारी मिली है लगभग 40 बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें अलग अलग जिलों में आयोजित की गई हैं, लेकिन एक एक जिले में 10-10 5-5 जिले के लोग वहां पर आए थे, और बहुत उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर के, और मैं स्वयं भी बहुत उत्साहित हूँ। इस कार्यक्रम को मैं भी प्रयास करूँगा कि पूरा का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए और कार्यक्रमों से समय निकाल करके इसमें मौजूद रहूँ। सर, घोसी उपचुनाव को लेकर तमाम जगह होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं। एक तरफ सपा कार्यालय के सामने होर्डिंग लगाई गई है कि टाइगर अभी जिंदा है, शिवपाल यादव की फ़ोटो। दूसरी तरफ लगाई गई ओम प्रकाश राजभर की फ़ोटो कि ये दगे हुए कारतूस हैं, सभी राजनीतिक दल सावधान रहें, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मैं ये मानता हूँ कि अहंकार के आकाश में किसी को बहुत उड़ान भरने की आवश्यकता नहीं है। यह निश्चित तौर से घोसी की विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी के नाते हम लोग नहीं जीत पाए हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीत करके जो अहंकार के आकाश में अभी उड़ रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश की जनता ही ज़मीन पर लाने का काम करेगी। हार हुई है, उसकी पार्टी समीक्षा कर रही है, भविष्य में जीत कैसे हो इसकी तैयारी कर रही है। G20 सर चल रहा है दिल्ली में, पूरे कई देशों के लोग आए हुए हैं। देखिए, G20 कोई साधारण चीज़ नहीं है। मुझे तो दिल्ली भारत की राजधानी में स्थित जो भारत मंडपम है, मुझे वो संयुक्त राष्ट्र संघ का जैसे कार्यालय लग रहा हो कि आज पूरी दुनिया भारत में, भारत की राजधानी में, और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी को यह अवसर प्रदान करने का जो श्रेय है वह देश की जनता को जाता है। इसलिए इसमें जो सम्मान आज माननीय प्रधानमंत्री जी का हो रहा है, जो सम्मान भारत का हो रहा है, वो भारत की 140 करोड़ जनता जनार्दन का हो रहा है। और यह सफल आयोजन के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। G20 में अफ्रीकन यूनियन जो के अध्यक्ष को भी शामिल करने का काम भारत के अंदर हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है। और दिल्ली का जो घोषणा पत्र है जिसमें सर्वसम्मति हुई है, जो विषय लाए गए हैं, यह भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी बधाई दी जाए, वह कम है। मैं बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं, और जो विश्व के तमाम सारे नेता हमारे भारत में आए हैं, हम अतिथि देवो भव का जो संस्कार है उसका पालन कर रहे हैं। हमारे स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व नेताओं का स्वयं स्वागत करने का भी काम किए, और भारत की संस्कृति क्या है, चाहे वह कोरोना का सूर्य मंदिर का स्वरूप हो, उसको भी दुनिया ने देखा है। और कल जो नालंदा विश्वविद्यालय का स्वरूप था, शाम को डिनर के समय भी देखा है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि पर विश्व के लगभग सभी नेताओं